नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैंड जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो मैं डेटा एंट्री के वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूँ, पर कुछ महीनों से मैं बना नहीं रहा था। इसका एक ही कारण है कि मैं रेगुलरली आपके कॉमेंट्स, यूट्यूब कॉमेंट्स हो या फिर मेरे फेसबुक पेज या मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, मैं सारे जो है क्वेश्चंस इकट्ठा कर रहा था। और एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया है उसको लेके ही आज वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड फेक डेटा एंट्री कंपनीज होती है, ये फेक डेटा एंट्री कंपनीज जो कोर्ट नोटिस पेपर का डर या थ्रेट दिखाती है, क्या वो जेन्युइन है कि फेक है। आज हम इसी पे कर रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, फेक डेटा एंट्री कंपनी या कोई भी फेक कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें जेन्युइन जो कंपनी है वो कैसे अपना जो लीगल वैलिडिटी है वो करवाती है, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस देगी, नॉर्मली कस्टमर्स तक वो या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है। अब क्या है, जब कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहेगी तो उसमें सबसे पहले उन्हें जो है एक डीड बनाना पड़ेगा। डीड क्या होता है? कोर्ट पेपर, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट को उनका जो है कैपिटल, उनके कैपिटल के बारे में, उनके जो है सर्विस, क्या सर्विस या फिर क्या प्रोडक्ट, इनिशियल जितने इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ साथ कौन कौन डायरेक्टर्स बनना चाहते, कौन कौन जुड़ रहे हैं इस कंपनी में, जो हेड्स बनना चाहेंगे, ये सारे जो है लिस्ट डाउन होके एक जो है कोर्ट पेपर बनता है, वो डीड होता है। वो इनिशियल स्टेज पे बनता है और एडवोकेट के थ्रू बनता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो ये प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक प्रोवाइड करना चाहती है। अब ये डीड जब बन जाती है, डीड बनने के बाद आपको जो है किसी भी कंपनी को एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस लेना यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स तक जो है नंबर पहुंच जाता है। अब उसके बाद जो है ये कंपनी जो है पहले अकाउंट बनाएगी, बैंक अकाउंट, और उसी के आधार पे पैन कार्ड भी बनता है। तो इतने सारे स्टेप्स हो जाने के बाद एक कंपनी जो है अपना सर्विस प्रोवाइड या सर्विस या प्रोडक्ट जो है डिलीवरी, कुछ भी हो, सर्विस अपना प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। तो ये होता है वे अ ट्रू कंपनी वर्क्स। और साथ ही और एक चीज़, ये डीड, ट्रेड लाइसेंस और सारे जो लीगल वेरिफिकेशंस हो जाने के बाद ही जो है स्टाम्प जो होता है, रबर स्टाम्प जो आप डिज़ाइन करवा सकते हो अपने कंपनी के लोगों के अनुसार, मतलब जो नाम है उसके अनुसार, वो आप यूज़ कर सकते हो लीगल वेरिफिकेशन, वैलिडिटी सब कुछ हो जाने के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर कर रहे हैं तो फेक है। तो अब तक आपने जाना कि जो कंपनीज है वो लीगल, ट्रू लीगल कंपनी कैसे बनती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक कोर्ट ट्रायल के बारे में बताता हूँ मैं, नॉर्मली कैसे कोर्ट में जो ट्रायल होता है, क्योंकि ये कोर्ट नोटिस जब पहुँचेगा उसके बाद कोर्ट ट्रायल ही होगा। तो कोर्ट ट्रायल जो होता है उसमें जो है कोई दो पक्ष जो होते हैं, एक एक्यूज्ड और जो एक्यूज कर रहा है वो, यहाँ एक्यूज जो कर रहा है वो कंपनी होगा और एक्यूज रहेगा कैंडिडेट। तो दोनों को जो है, दोनों पक्षों को यहाँ पे जो है लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं उनके वो सबमिट करने पड़ते हैं कोई भी मुकदमा स्टार्ट करने से पहले। तो अगर कंपनी का मैं कहूँ तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बात किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द डीड, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद उनका पैन, अकाउंट नंबर, एड्रेस प्रूफ, ये सारे चीज़ कंपनी को सबमिट करना है, फिर ही केस अपना वो सबमिट कर सकता है। और इधर जो एक्यूज्ड है कैंडिडेट, उसको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन, फोटो वेरिफिकेशन, ये सारे चीज़, कहाँ रहता है, ये सारे चीज़ उसको भी जो है सबमिट करना है, साथ में केस एविडेंस भी सबमिट करना पड़ता है दोनों को। तो मुद्दे की बात यही है कि ये जो फेक डेटा एंट्री कंपनीज है ये कोर्ट केस क्यों करेंगी, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स तो इनके पास होती है नहीं। अगर वो कोर्ट तक पहुँचे तो सबसे पहले वही फंस जाएंगे, तो डेफिनेटली कोर्ट ट्रायल में वो जाएंगे नहीं। ये कोर्ट नोटिस का जो पूरा किस्सा है ये पूरा ही इनवैलिड है।
अब मैं आगे जाता हूं और आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसके थ्रू आप और ज़्यादा जान पाओगे इन कोर्ट नोटिस पेपर्स के बारे में। तो चलिए मेरे डेस्कटॉप में मैं आपको दिखाता हूं। मेरे लैपटॉप में मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्ट नोटिस के जो पेपर है उनको कैसे ये फोटोशॉप किया जाता है। तो हम अगर लिखे फेक कोर्ट नोटिस और इमेजेस में जाए तो यहाँ कुछ आपको फेक कोर्ट नोटिस के चीजें दिखेंगी कि किस तरीके का जो है टेम्पलेट बनता है वही देख के वो जो है अपने प्रिंटिंग सेक्शन में उसी चीज को अपना A4 साइज पेपर में लिखते हैं। उसके बाद जो है इंटरनेट कॉपी आप तक मेल किया जाता है। सबसे पहले फेक रबर स्टैम्प के साथ दिया हुआ अपना जो रबर स्टैम्प है, क्योंकि वो फेक डेटा एंट्री कंपनीज रहती है तो वो रबर स्टैम्प भी जो यूज करते हैं वो फेक होते हैं। अब पकड़ लीजिए कोर्ट नोटिस स्टैम्प पेपर। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत तरीके का है, मैं आपको एक दिखाता हूं, डायरेक्टली ये दिखाता हूं कि यहां देखिए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर दिख रहा है और यहाँ गुजरात देखिए गुजरात का दिया हुआ है। तो आप तक जो है कुछ इस तरीके की चीजें भी पहुंचते हैं जब ये घर तक पहुंचाते हैं। अगर इसी चीज को हम लिखे सिर्फ स्टैम्प पेपर तो आपको जो है टोटल वाला जो है ये देखिए 100 रुपए का टोटल स्टाम्प पेपर दिखेगा। अब क्या है इसी में फोटोशॉप किया जाता है और वही चीज आपको घर तक पहुंचाया जाता है। उनकी वैलिडिटी कुछ भी नहीं होती, आपको बस दिखाना था कि किस तरीके से इन चीजों को ये लोग बनाते हैं। जो नोटिस है स्टाम्प पेपर है जो कोर्ट नोटिस आपको घर तक थ्रेट दिया जाता है कुछ इस तरीके से बन के पहुंचता है आप तक। तो दोस्तों इस वीडियो से जो मैं बताना चाहता था इससे दो चीज साफ निकल के आई है। नंबर एक कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कोर्ट नोटिस पेपर्स जो है ये फोटोशॉप रहती है, ज्यादातर जो है वो फोटोशॉप कर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भी लीगैलिटी या लीगली वो बाउंड नहीं रहती और कोई लीगल केस नहीं होता। दूसरा जो रबर स्टैम्प या स्टैम्प जो वो यूज कर रहे हैं उसका भी कोई लीगल वैलिडिटी है नहीं, तो जितने सारे लीगल स्टैम्प्स वो लगाते हैं उनके साथ कोई भी लीगल केस होने का जो है इशू है ही नहीं। तो यही बताना था आप तक, अवेयरनेस जो है पहुंचाना था इस कोर्ट नोटिस पेपर के ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि जेन्युइन है फेक है, तो इनवैलिड है पूरा ये समझ लीजिए आप। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अगर जो लोग ये वीडियो पहली बार देखेंगे तो आप अगर किसी भी ऐसा जब आपके साथ होता है तो आप ज़रूर और लोगों के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हो जो डेटा एंट्री में इस तरीके से फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी आप जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें क्योंकि वो भी शायद कोर्ट नोटिस पेपर को लेके ही जो है समस्या में है दुविधा में है, उन तक ज़रूर शेयर करें। इवन नॉन जिनके साथ हुआ भी नहीं है उनको भी शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर करें क्योंकि वो भी जो है इन सब चक्कर में फंस सकते हैं। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये न्यूज़ अवेयरनेस पहुँचे उन तक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आगे जो है मैं आपको जो है सल्यूशन किस तरीके से हमें इसके बाद अप्रोच करना है, 4 स्टेप्स है, मैं नॉर्मली ये कहता भी हूँ मैसेज में, तो वो 4 स्टेप्स मैं वीडियो में आपको बताऊँगा आगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है ये डेटा एंट्री फ्रॉड के जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलते रहे। और अगर कोई आपसे सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए भी पैसे मांग रहा हो तो बिल्कुल ना दे, किसी को ना दे पैसा। ये इन्फॉर्मेशन तो फ्री में देना चाहिए, जितना नॉलेज है जिनको नॉलेज है या फिर पकड़ लीजिए जो हेल्प करना चाहते हो वो फ्रीली आके हेल्प कर सके। तो मैं आपको बताऊँगा कि 4 वो स्टेप्स क्या है, तो वो वीडियो नेक्स्ट आ ही जाएगा, नेक्स्ट डेटा एंट्री का जो वीडियो रहेगा। तो आज यही पे करता हूँ वीडियो को एंड, आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।